अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि सियालकोट के अंदर रिसेंटली लाइक 4 or 5 days ago इम्तियाज़ मार्केट जो है वो ओपन हुई है, और मैंने सोचा कि आज क्योंकि कुछ सामान वगैरह लेके आना था तो क्यों ना हम जो है जाके वहाँ से उनको विज़िट करें और सामान जो है वहाँ से बाय करें। तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हैं हमारे हमजा भाई, जिनके भाई की शादी पे हम गए हुए थे, वहाँ से हमने बहुत सारे पैसे उठाए नहीं, बस देखे थे दूर दूर से ही, बल्कि मेरे तो कदमों में आके गिरे थे, लेकिन मजबूरन दोस्त है तो फिर नहीं था मैं उठा सकता था। आज मैं और हमजा भाई हम जा रहे हैं इम्तियाज़ स्टोर पे। तो टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। क्या टाइम हुआ? 6 बज चुके हैं और मेरा ख्याल है कि वहाँ की जो टाइमिंग है वो है तकरीबन 8 बजे की, यानी कि 7:30 के बाद मे बी एंट्रेंस जो है वो क्लोज़ होती होगी, क्योंकि जारी बात उन्होंने आगे लोगों को भी जो है वो निकालना, सारा कुछ जो है मैनेज करना है। तभी बस हम लोग जा रहे हैं और इंशाल्लाह फिर वहाँ पहुँच के जो है नहीं, मास्क का बेटा पहन के रखो, कोई बात नहीं, मुझे बहुत इरिटेशन। मास्क इज़ योर वाइफ नाउ, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है ये कि यहाँ पे जो सियालकोट का लाली अड्डा है, ये मैं काफ़ी देर से बात करना चाह रहा था लेकिन कभी मैं कर नहीं पाया, कि यहाँ पे देखें इस साइड से ये सारे लोग पुठे आ रहे हैं, और ये देखें ये भी सब लोग जो है रास्ता तोड़ के जा रहे हैं, हालांकि यहाँ पे जो है पुलिस वाले खड़े भी होते हैं। और जो सेंटर में इन्होंने बैरियर्स लगे हैं उसका मकसद ही है कि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो इधर उधर ना जाए, ताकि जो रास्ता है वो उसमें ट्रैफिक जाम ना हो, रास्ता क्लियर है। तो हमारी आवाम के दिमाग में ना बात बैठती नहीं है कि यार इनका बेसिकली जो बेसिक मकसद है वो क्या है, उन्होंने अपनी मनमानी करनी है ना, उन्होंने अगलों का सोचना है क्या, चलो हमारा अगर हम ये स्टेप करते हैं तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा, उसमें टाइम सेविंग भी है अपनी भी और दूसरों की भी, लेकिन नहीं, हमें ये बात समझ नहीं आती। साथ साथ आपको थोड़ा सा लोकेशन का भी गाइड मैं कर दूं। फिलहाल तो रोड बहुत ही रोड जो है बहुत ख़राब है, और रोड कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द रोड, बेसिकली इट्स कश्मीर रोड, जो कि लाइक ये जो साइड है ये ऑपोजिट है सुपीरियर कॉलेज के, और वो जो सामने ब्रिज है, किधर गया गाड़ी, आगे आ गई भैया साइड में नहीं होगी इसके, एक मिनट, ये बेसिकली ब्रिज है और यहाँ से हम जाएंगे और आगे से जो राइट साइड है वहाँ पे आएगा इम्तियाज़ सुपर स्टोर। और ये देखें इतना प्यारा सन बोल है, छुप ही गया सन, वाह, बट कोई नहीं, वी विल स्टिल फाइंड हिम, हियर यू गो, देखे कितना प्यारा, ओहो कहाँ चलेगा भाई, सूरज हुआ मथम चांद जलने लगा आसमां ये हाय, भाई इसमें नहीं आना, ओ माय गॉड, ओ हो हो हो, आराम से आराम से, ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है वहाँ पहुँच के ही आपको मैं अब नेक्स्ट सीन में मिलूँगा, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो अभी जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हमजा भाई यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वो चीट लगा लें, कम फ्लाई विथ मी, तो चलते हैं ऊपर से। आपको जो चीज याद है ना जी टी ए वाई सिटी के, वो जरा नीचे कमेंट्स करें, तब तक हम पहुंचते हैं। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ जलालत वी आर एट इम्तियाज़ सुपर, नहीं सॉरी, इम्तियाज़ मेगा स्टोर, और मेरे साथ हैं हमजा भाई, और अब हम जो हैं जाएंगे इसके अंदर, और मुझे ये भी नहीं पता कि अंदर वीडियो बनाना अलाउड है कि नहीं। और ये देखें ये जो है बेसिकली गाड़ी है, जो कि इसकी कोई मतलब ऑफर थी कि जो लोग फर्स्ट जाके शॉपिंग करेंगे उनको जो है वो कुरान अंदाजी के थ्रू ये गाड़ी जो है वो मिलेगी। खैर हम तो मतलब मैं तो पहले दिन आया, कोई नहीं, तो मैं भी गाड़ी के पास जा रहा हूँ, हम जाएंगे अंदर। और ओए होए, और मुझे ऑलरेडी रश जो है वो नज़र आ रहा है कि अंदर जो है वो बहुत रश है, और मैंने भी 2-3 चीज़ें लेनी थी, मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद ना ही लूँ। अभी जो है ना वो बेसिकली अजान हो रही है, तो अजान के बाद मिलते हैं आपसे। हमजा भाई,
राइट। क्या आपको सर्दी लग रही है अंदर? टेम्परेचर काफ़ी जो है ना मेंटेन किया हुआ है ना। मुझे सर्दी लग रही है। आपको सर्दी लग रही है ना भाई? मुझको लग रही है। अच्छा, अब मैं स्टिल वेरी कन्फ्यूज के लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मैंने लाइन देखी है ना काउंटर की, वो बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। तो पता क्या करते हैं? क्या चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, अगर तो जगह ना मिली वापस रख देंगे, ट्रॉली छोड़ के चले जाएंगे। ये भी ठीक है। अच्छा, सीन कुछ यूँ है कि हम बेसिकली यहाँ पे आए हैं शॉपिंग करने, और जो पहली चीज़ होती है शॉपिंग के लिए एक ट्रॉली, वो हमने ली ही नहीं, और हम बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं हमजा भाई? मैं कह रहा हूँ डीओ की रेंज काफ़ी अच्छी है। डीओ देख लेते हैं अभी बाद में, पहले हम जरा ट्रॉली लें। या मैं कह रहा हूँ हमजा भाई को भेज दूँ ट्रॉली ले आते हैं। मैं इधर कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं भाई, कुछ कह रहे? मैं कह रहा हूँ ट्रॉली ले आए। क्या कह रहे हैं हमजा भाई? मैं कह रहा हूँ यार हैंड बास्केट ले लो। ये ट्रॉली आप ना, मैं बैठता हूँ ना अंदर। अच्छा, तो आप मुझे झुला दें। वो फिर हम ही झुला देंगे सर। आप बैठे अंदर, मैं आपको झुला देता हूँ। आप ले, मुझे मैं कैरी कर लूँगा आपको। आप कौन सा कोई यार, वो यार इसको रखते, इसको वहीं पर रखो जहाँ से लिया आपने। एक्सक्यूज मी, बास्केट मिल जाएगी उधर से मिलेगी, जाएँ अकेले। आप भी आओ ना। नहीं आप जाओ, नहीं आप आओ ना, नहीं आप, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ पहले आप। मैं ये चाहता है कि मेरी, मैं ये मतलब ये जो है ना, ये मेरी वीडियो में बहुत बहुत ही बेशरम इंसान है। गुड वर्क हमजा भाई, चलो चलो आ चलो। तो यहाँ पे जो है बेसिकली ए टू जी एवरी थिंग इज ओवर हियर, जिस तरह के मेडिकल स्टोर, और यहाँ पे ये क्लोथिंग का भी है। ये सारी जो शर्ट्स हैं मेरे से 400 से स्टार्ट होती हैं, आगे पता नहीं कहाँ तक जाती हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड इन क्वालिटी। जब खाएंगे हम जरा सर। तो बात कुछ ऐसी है कि चीज़ें हमने ले ली हैं, लेकिन मसला ये भी आ गया कि यहाँ पे जो है ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। इतना सारा सामान ले लिया, चिप्स ले लिया, साबुन ले लिया, बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिया है। तो भाई मैं कह रहा हूँ टैंपर्स आ गए, ले लें आप। मैंने क्या करना है भाई? आपको चाहिए नहीं, आपको मतलब आपको चाहिए होंगे। मैंने मोहम्मद के लिए चाहिए, वो मैं ले गया हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपका कब तक शादी का प्लान है भाई? पहले आप कराओगे? मैं छोटा हूँ। ये जो ना न्यूटेला के बाद नेचुरेला उसकी बहन है न्यूटेला की। फाइनली जी द शॉपिंग इज ओवर। जो बास्केट ऑफ मुझसे बुला, मैं इस वक्त वेटिंग इन द लंबी लाइन ऑफ द कस्टमर्स जो कि बिल पे करना चाह रहे हैं। फाइनली जी हमें एक भाई ने गाइड किया है कि एक जो काउंटर है वो फ्री था, तो हम वहाँ पे आ गए हैं बिल पे करने, और हमसे पहले ही एक और फैमिली आ गई, अब वो पे कर रहे हैं। इसके बाद फिर जो है हम अपना पे करें। फाइनली गाइस मैं एयरपोर्ट से निकल आया हूँ। मेरा लगेज है, लेने कोई भी नहीं आया? नहीं हमें लेने कोई नहीं। ये मेरा लगेज है जो हम अब क्रीम बुलानी पड़ेगी। हम दुबई से आ गए अपना सामान लेके, क्रीम बुला के, क्रीम जो है वो बुलानी पड़ेगी। खैर हमजा भाई कैसा रहा आपका आज का दिन? बस यार बहुत खुवारी हुई है। खैर मज़ा तो आया, लेकिन ये है कि इतना लाइक मॉल जो है ना बेसिकली बहुत बड़ा है, और यहाँ पे A to Z हर चीज़ अवेलेबल है, लाइक यू नो हर चीज़ आपको एक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, जैसे मैं चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा था ना वैसे नहीं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? मार्केट से रेलिवेंट जो है ना वो बहुत बेहतर है। वो तो जारी पता है सिटी वाइज फर्क पड़ता है, लेकिन सियालकोट में अगर जो चीजें हैं वो काफी बहुत रीजनेबल है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे अगर सियालकोट की मार्केट देखी जाए सियालकोट की मार्केट से बेहतर है, तो यहाँ पे बहुत चीजें बेहतर है, और यहाँ पे हर चीज जो है वो कुछ मुझे ओवर प्राइस लगे हैं, कुछ जारी बात है चीजें डिपेंड करती है। ओवरऑल यही है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो मेन लाइक जो सियालकोट की मार्केट है
उसके नस्बत यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बहुत नॉर्मल है, बहुत टफ कंपटीशन होगा इन फ्यूचर। तो आप लोग बेसिकली सोच रहे होंगे कि भाई ये दो शॉपिंग बैग ट्रॉली में हम क्यों लेके आए, तो इनके पीछे एक कहानी है। जब आप यहाँ पे शॉपिंग करते हैं तो ये लोग आपसे एंड पे पूछते हैं कि भाई आपने सामान अपना ले लिया है, अब आप इसको कैसे लेके जाएंगे, आप इसको शॉपिंग बैग में डालेंगे या आप क्या करेंगे। तो अगर आपने शॉपिंग बैग में डालना है पेपर बैग में, तो वो आपको बैन हुआ हुआ। तो मैंने तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भी आप ट्रॉली में सामान लेके जाएंगे या पेपर बैग में, मैंने कहा जी मैं ट्रॉली में लेके जाऊंगा। और उसकी वजह क्या थी कि वो मिलता 100 रुपए का, तो मैंने कहा 100 रुपए फ्री के जाया करने, हम ट्रॉली में लेके जाएंगे, हम सिंपली यहाँ छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं सामान उठा। और बीच में अब एक ये सीन भी हुआ कि अंदर मैंने स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी अंदर जो है वो वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, बल्कि मैंने सिर्फ पीछे मेंशन भी किया था कि वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन हम फिर भी छुप छुप के यू नो हिडन कैमरा बनाते जाएँ। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो यहाँ तक किया, क्यों हमजा भाई? जी जी भाई, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो हर बार की तरह इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।